बने रहिए हमारे साथ। इन सबके बीच एक और बहुत बड़ी खबर जो मिल रही है वो बता दें, 3 राज्यों में सीएम पद को लेकर बीजेपी में मंथन का दौर भी लगातार जारी है और इसी से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है। राजस्थान में सीएम पद की रेस पे 3 बड़े चेहरे अब सामने आ रहे हैं। इनमें अर्जुन राम मेघवाल का नाम शामिल है, सीपी जोशी, अश्विनी वैष्णव का नाम अब सामने आ रहा है। ये 3 सबसे बड़े प्रबल दावेदार यहां पर बताए जा रहे हैं जिनका नाम इस वक्त रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है, आपको बता रहे राजस्थान में सीएम पद के लिए 3 प्रमुख चेहरे हैं। सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष जो है सतीश पुनिया की जगह उन्हें हाल ही में जो प्रदेश अध्यक्ष की कमान है वो सौंपी गई। सबके बीच में अब आपको वो दिखाते हैं कि 3 चेहरे जो राजस्थान के सीएम पद की रेस में इस वक्त सबसे आगे चल रहे हैं, वो 3 चेहरे, वो 3 नाम। सबसे पहले देखिए, अश्विनी वैष्णव मौजूदा रेल मंत्री है, सीपी जोशी और एक और नाम अर्जुन राम मेघवाल का। अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री हैं और हाल ही में उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो बहुत करीबी माने जाते हैं, बीकानेर से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा सीपी जोशी सतीश पूनिया के समय में जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तब गुटबाजी की खबरें जब पार्टी के बीच में सामने आई तो फिर बड़ा फैसला लिया गया, सतीश पूनिया की जगह सीपी जोशी को एक कमान दे दी गई, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। अश्विनी वैष्णव जोधपुर से ताल्लुक रखने के लिए अब देखिए, चूंकि राजस्थान का यह चुनाव है, अब ऐसे में माना जा रहा है कि उन्हें भी यहां पर क्या मुख्यमंत्री पद का दावेदार चूंकि माना जा रहा है तो क्या उनका नाम हो सकता है, वो भी बहुत करीबी माने जाते हैं प्रधानमंत्री के भी, अमित शाह के भी। भवानी ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, भवानी का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। भवानी, ये 3 चेहरे अब सामने आ चुके हैं, अभी आपके पास अंदर खाने से क्या खबरें हैं, इन 3 में से भी सबसे आगे किसका नाम है और कब तक ये सस्पेंस जो है वो क्लियर हो पाएगा? देखिए, ये कहना तो काफ़ी मुश्किल है कि 3 में से कौन अहम है। ये माना जा रहा है कि जो राजस्थान के जो समीकरण हैं उसके लिहाज से, चाहे जातीय समीकरण हो या पार्टी के अंदर की जो गुटबाजी है, राजस्थान की जो दिक्कत है बीजेपी के सामने, हाईकमान के सामने, वो सबसे बड़ी गुटबाजी की दिक्कत है। गुटबाजी की वजह से यहाँ पर काफ़ी मुश्किलों का सामना विधानसभा चुनाव से पहले करना पड़ा और वसुंधरा राजे जो मिली है वो उसी को दिखाता है, क्योंकि जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था तब ये आरोप लगा था कि ये टिकट इन नेताओं ने दिलाया, उसमें से जीते कितने, वसुंधरा राजे ने जो हमारे सूत्रों से जानकारी मिली, वसुंधरा राजे ने जो उनकी सिफारिश से जितने टिकट मिले उनके बारे में एक रिपोर्ट कार्ड रखा उन्होंने कहा कि उनमें से परसेंटेज जो जीतने का है वो काफ़ी ज़्यादा है, ये वसुंधरा राजे का क्लेम था। और बाकी नेताओं के कोटे से जो टिकट दिए गए, यानी कि जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था राजस्थान में, अब उसको मुख्यमंत्री की रेस से जोड़कर देखा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है वसुंधरा जी कैंप की, वसुंधरा जी की ओर से बताया गया कि परसेंटेज जिताने में उनका योगदान ज्यादा था, जितने टिकट उनको उनकी सिफारिश से दिए वो ज्यादा जीते, यानी कि बिल्कुल। भवानी, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा इसे लेकर बीजेपी नेता प्रहलाद पटेल की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर आपको और हमें दोनों को इंतजार करना पड़ेगा। सुनाते भी आपको क्या कुछ उन्होंने कहा है। दरअसल प्रहलाद पटेल की तरफ से पहली बार जो है ये बयान दिया गया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीएम के नाम के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए, सीएम के नाम का जल्द ऐलान होगा, आपको और हमें, हम दोनों को इंतजार है। सुनिए एक बार क्या कुछ कहा प्रहलाद पटेल ने। सरकार में क्या भूमिका लेते हैं, आपको भी इंतजार करना पड़ेगा, मुझे भी सर क्या भूमिका, सरकार में क्या भूमिका लेते हैं, आपको भी इंतजार करना पड़ेगा, मुझे भी सर क्या भूमिका, तो प्रहलाद पटेल को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि सीएम के नाम का इंतजार करना होगा आपको और हमें, हम दोनों को इंतजार है, लेकिन उसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार करिए, जल्द इस बात का ऐलान किया जाएगा कि आखिर कौन जो है वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। और सीधे लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, मेरे सहयोगी मनोज लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। मनोज, प्रहलाद पटेल कह रहे हैं कि आपको और हमें, हम दोनों को इंतजार करना होगा, लेकिन अंदर खाने से क्या तस्वीरें, क्या जानकारी कि आखिर कौन जो है मुख्यमंत्री की शपथ लेता हुआ नजर आएगा? जाहिर तौर पर सस्पेंस, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये सस्पेंस तो अभी बना हुआ है, लेकिन प्रहलाद पटेल ने और कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के महासचिव ने 2 क्लू तो दे दिए हैं। एक क्लू दे दिया है कि कैलाश विजयवर्गीय ने सीधे तौर पर कहा है कि बस 10 तारीख को आपको सब पता चल जाएगा, 10 तारीख को सारा ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा, यानी जो पर्यवेक्षक हैं वो जल्दी आ सकते हैं, पर्यवेक्षक आएंगे तो 10 तारीख को हो सकता है कि बीजेपी के
विधायक दल की बैठक हो, लेकिन जो प्रहलाद पटेल है वो कह रहे हैं इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि नाम जो है ये सारे वो नाम है जो चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इस वक्त हम विधानसभा में जैसे खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो प्रहलाद पटेल जो केंद्रीय मंत्री है, जो कि हालांकि अब इस्तीफा दे चुके हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो यहाँ पर अपना जो विजय प्रमाण पत्र होता है, हर रिटर्निंग ऑफिसर से जो प्रमाण पत्र मिलता है वो लेकर यहाँ पर जमा करने के लिए आने वाले हैं। तो अभी बड़ा सवाल ये है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोज कुछ ना कुछ गतिविधि कर रहे हैं, आज वो राघोगढ़ पहुंच रहे हैं, राघोगढ़ यानी दिग्विजय सिंह का किला, जहां से दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ने हालांकि इस बार बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीता है। तो छिंदवाड़ा, उसके बाद श्योपुर और फिर राघोगढ़ तो शिवराज सिंह चौहान अपनी गतिविधियां कर रहे हैं। और ये देखने वाली बात होगी राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी, आखिर मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन लेता है। और अब बढ़ते आगे बात कर लेते